मैं यही कहूंगी कि जालिमों मोदी छा गया है। वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। देखे ना कितना बड़ा मैसेज दिया कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्यों? चूंकि किरदारों का किरदार कैरेक्टर का एटम बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय असेंबली एक सियासी अखाड़े का मंजर पेश करती है। एक दूसरे के ऊपर चोर चोर डाकू के इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान है, बल्कि उल्टा। हम यही सुनते हैं कि हमारे यहाँ क्या बच्चा मायूस हो गया है, उसे लगता है कि मेरा फ्यूचर अब पाकिस्तान में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूँ उनके प्यार का, मोहब्बत का। दुनिया की तरक्की देखता आया मैं, न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट देखता आया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर मैं बिजनेस लॉन्च को देखता आया। कौम को भिखारी ना बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि ये हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं। उसमें पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहाँ पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है और उसकी सोच क्या है। तो मैं इसकी कुछ मिसालें आज आपके सामने पेश कर देती हूँ। कई एक पिक्चर्स और वीडियोस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मेरे पास बहुत जमा हो चुकी हैं। एक पिक्चर और साथ ही वीडियो भी जो वायरल हो रही है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीताराम, और वो अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पहुंची। अब जब वो अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर पहुंचती हैं, तो वो घर कैसा है, वो अपने वाले साहब से कैसे मिलती हैं, उनका स्टाइल क्या है, और उनके फादर किस जगह पर रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल क्या है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान है, बल्कि उल्टा उल्टी गंगा बह रही। हमें एक और पिक्चर दिखाई देती है, और ये देखिए, ये है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति जो कि इंफोसिस के मालिक की बेटी है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप मल्टीनेशनल आईटी कंपनी यूके की फर्स्ट लेडी हैं। लेकिन आप उनका स्टाइल देखिए, दोनों बाप बेटी बैठकर एक जगह पर कितनी सादगी के साथ, बिल्कुल एक कॉमन, बल्कि कॉमन नहीं, जिसको मैं कहा करती हूँ मैंगो मैन की तरह बैठकर वो एक जगह पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तान में तो किसी और चीज़ के मजे लूटे जाते हैं ना, यानी जिस किस्म की वहाँ पर अय्याशियाँ, एक लाइफस्टाइल जो है वो आप जानते हैं, और ख़ास तौर पर इस तरह का, अगर आपको कोई बंदा इस लेवल का जिसके पास पैसा वैसा होगा, वो तो आपको इस सिचुएशन में कभी नजर ही नहीं आ सकता। उसके तो टशन ही देखने वाले होंगे, अलग होंगे, निराले होंगे, देख रहे हैं आप। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और तस्वीर भी बढ़ी है, ये देखिए आप। ये जनाब, ये हैं बिलावल भुट्टो, और वो बैठे हुए इस वक्त वहाँ के लियारी के या कहीं के बच्चे उनके साथ। अच्छा, ये तस्वीर मेरा ख्याल है पहले भी वायरल होती रही है, उसमें ये दिखाया गया था कि देखिए ये जो बच्चे खड़े हैं वहाँ के, उनके पाँव में जूता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो कहाँ के जूते, कौन से ब्रांड के शूज़, कितने एक्सपेंसिव ब्रांड्स के शूज़ पहने हुए। कि भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है, कुछ यही हाल मेरे वहाँ पे तो 42 ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम इसको प्रॉपर प्रमोट करेंगे कश्मीर में, और विकसित भारत और विकसित कश्मीर, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। मैं आपके इतने सारे लंबे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, मेरी सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवसत से, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस अलाउडेड है, वहाँ पे जिस देखिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा शेफ तलाश करूंगा, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छी सेटिंग करूंगा। मेरा आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ एक सवाल है कि आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट मुजफ्फराबाद तक नहीं
पूरे आजाद कश्मीर में इलाबरेट किया जाए। और मैं ये साथ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे एरियाज हैं कश्मीर के कि जहाँ पे कैमरा ये लो नहीं है, मतलब आजाद कश्मीर है लेकिन कैमरा लो नहीं। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री है, आपको लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं है, इससे बड़े सवाल उठते हैं। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज आ रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं, 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, आजाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में, इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती बिल्कुल है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल हमारे पास। आप कह रहे हैं कि टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे बिजली नहीं होती जो मेन जरूरत है। मौजूदा टाइम के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देखें और 76 साल को भी अपने दिमाग में दोहराएं, हमने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान से आज़ादी ली, 76 साल हो गए, तो आज डेवलपमेंट की तरफ कौन ज़्यादा जा रहा है, तरक्की किसकी ज़्यादा, हमारी या फिर उनकी? डेफिनेटली उनकी, हमारी नहीं है, क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा, हर किसी को अपने खानदान की लगी है कि यार हम हर चीज़ बना लें और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ़ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा, तो एक दूसरे के सब दुश्मन है, कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ, हालांकि ये अपना मुल्क है, यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए पहली बात, तो दूसरी बात जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए, जब खाने को कुछ ना मिले तो बंदा भागता ही है यहाँ से। क्या लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन को कंपैरिजन करें, उनके पॉलिटिशियन से कंपैरिजन करें, जो उनका पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि हमारे उनके साथ कोई मुकाबला है पॉलिटिशियंस का भी? लेकिन अगर वो IT वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आप जानते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आम पब्लिक ही ठीक नहीं है, कोई कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से तरक्की करेगा, मतलब किसी को मौका ही नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। मतलब मेरे एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कौन है? मोदी। इसको सिर्फ सफाई के लिए रखा जाए, और फिर हम ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को पूरे हकूक दिए जाते हैं, इसके बारे में कौन से हकूक मिल रहे हैं भाई? किसी को कोई हकूक नहीं मिल रहे, स्पेशली मैं मतलब फीमेल हूँ, आई डोंट केयर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फीमेल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अच्छा। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अगर फीमेल बाहर निकलती है तो बाहर का माहौल ही ऐसा है। हालांकि बात कुछ और हो रही है, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि यार ये पता होनी चाहिए। देखने वाला बंदा कहता है यार ये पक्की सेट हो जाएगी, बस ये सेट हो जाएगी। हर कोई अपनी इज्जत को इज्जत समझता है, जो भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ, मुझे करें जो दिल में बातें करें। हर कोई अपनी इज्जत घर पे छोड़ गया तो उनको लगता है कि यार हमारी इज्जत जो है वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और की बहन बेटी है तो भाई उसको तो सेट करना ही करना है वो घर। अच्छा, ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई?